हाय फ्रेंड्स, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल की सैंडविच। आपने ब्रेड की सैंडविच तो सुनी होगी, ये ब्रेड से सैंडविच बनाई आती है, पर मैं आज मूंग की दाल की सैंडविच बना रही हूँ। चलो देखते कैसे बनाती हूँ। पहले हमने ये मूंग दाल लिया है 250 ग्राम करीब, इसको रात को भिगा दिया, सुबह भिगा दिया, और भिगा के फिर जब फूल गई तो उसका पानी निकाल दिया, स्टीर करके ये रखा है। इसमें हमने एक पोटैटो लिया है, और ये कॉर्न है, मक्के के कॉर्न, और ये चिली फ्लेक्स है, एंड नमक, हरा वो सूखा धनिया, मिर्ची, हल्दी, टमाटो, और ये कैप्सिकम, ऑनियन, हरा धनिया, और ये चाट मसाला और हींग, इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये राई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाल को पीस लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, जरूरत हो तो थोड़ा बहुत डाल देना। इसमें हम इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। ये हमने हरी मिर्च रखी है, 4-5 हरी मिर्च डालेंगे दाल में। और थोड़ा अदरक है, इसको डाल देंगे हम काट के। दाल पीसेंगे ना उसी समय डालना है ये सब। अभी दाल को हम पीस लेंगे। दाल थोड़ी कड़क है, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इससे कि इजीली पिस जाए वो। हमने दाल को पीस लिया है, ग्राइंड करके ऐसा पीसा है, देखो एकदम बारीक किया हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे। दाल में थोड़ा सॉल्ट डालेंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। इसे हींग डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ा रख देते हैं 10 मिनट के लिए अलग से इसको। अभी हम क्या करेंगे, ये इसमें इसकी स्टफिंग बना लेंगे सैंडविच की। टमाटो है, ऑनियन, कैप्सिकम, और इसमें ये दो हमने एक पोटैटो लिया है, इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे, बॉइल्ड पोटैटो है। मैश कर दिया इसको। ये मक्के डालेंगे, मक्के कॉर्न, इसको हम हाथ से मिला लेंगे, इससे अच्छे से मिल जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा ची ये भुना हुआ सॉरी हरा धनिया, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, हम थोड़ी सी हल्दी इसमें भी डालेंगे लिटिल, और
चाट मसाला, तिल है, थोड़े से तिल डालेंगे और ये काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स 1 स्पून, सॉल्ट, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सैंडविच की स्टफी है ये। इसको बारीक करने के लिए हाथ से अच्छे से मैश होता है। अब ये इसकी स्टफिंग बना ली है हमने, इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे और इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे लाइक दिस। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके ऊपर, बस बहुत इजी और बहुत पौष्टिक रेसिपी है। अगर आपको पौष्टिक नाश्ता करने की जरूरत है तो ये खाइए, और ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत फायदा करता है। मूंग की दाल, येलो मूंग दाल है, अभी हम सैंडविच बनाएंगे। सबसे पहले हम ऐसा टोस्टर है, ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। अभी गैस ऑन नहीं किया हमने, खाली इसमें भर रहे हैं, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, तेल लगा के थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा ऑयल लगा के चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे इसको। ग्रीस अच्छे से करना, इससे कि वे चिपके ना कॉर्नर में। अभी हम इसमें ये डालेंगे, ये इसका खीरा बनाया है, थोड़ा सा डालेंगे, पतली सी लेयर लगाएंगे इसकी एक। इसके ऊपर हम ये स्टफिंग डालेंगे, इसको चारों तरफ से फैला देंगे इसको धीरे से। इसमें थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, अगर आपको तीखा पसंद है तो, और बच्चों के लिए बना रहे हो तो मत डालिए। इसके ऊपर फिर हम एक पतली लेयर दाल की डालेंगे, इसको कवर कर देंगे डाल के। अच्छे से कवर करेंगे, बहुत पौष्टिक सैंडविच होती है, इसमें आपको ना ब्रेड की जरूरत है ना किसी की। देखिए कितनी अच्छी बनेगी ये, जब बनेगी तब इसको पूरी तरह हमने कवर कर दिया है ऊपर से, देखिए हो गया ना कवर। अब इसको टोस्ट कर देंगे, गैस को ऑन करेंगे। मेरा थोड़ा सा ज्यादा भर गया इसलिए निकल गया बाहर, आप थोड़ा सा कम भरिए उसको।
हम देखते हैं। देखिए हमारी सैंडविच रेडी हो गई विदाउट ब्रेड। ओके, इट्स वेरी हेल्दी। इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको कट करेंगे। कितनी क्रंची है, देखिए आवाज से लग रहा होगा आपको कितनी क्रंची है। लीजिए, ये हमारी दाल सैंडविच रेडी हो गई है और ये बहुत पौष्टिक है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।